गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हम अपना चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक कंटिन्यू करेंगे। आई एम ऑन पेज नंबर 26, जहाँ पर कि ये टेबल एक आपको दिख रहा है। मैंने पिछली बार आपको बोला था कि ब्रीड्स, जो इंडिया में जो शीप की ब्रीड्स पाई जाती हैं, उनको एक टेबल में दिया गया है, आप इसको रीड करिएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की ब्रीड्स हैं, उनसे कौन सा वूल मिलता है, वो कहाँ कहाँ इंडिया के कौन से पार्ट में पाई जाती हैं। सबसे जो खास ब्रीड्स हैं जिन्हें की वूल के लिए पाला जाता है, उसमें है लोही, रामपुर, बुशहर, नली, बकरवाल, मारवाड़ी और पटनवाड़ी। इनसे अलग अलग वैरायटी का वूल मिलता है, आप इसको रीड करेंगे। और ये कहाँ पाई जाती हैं, लोही जो है वो राजस्थान और पंजाब में पाली जाती है, रामपुर बुशहर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, नली राजस्थान हरियाणा और पंजाब में, बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर में, मारवाड़ी गुजरात में और पाटनवाड़ी भी गुजरात में। और फिर इनसे वूल निकाल कर उससे स्वेटर और डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि वूल कैसे बनाया जाता है, कैसे शीप के हेयर से वूल ऑब्टेन किया जाता है और उस वूल को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उस रूप में, जिस रूप में वो हमें मिलता है या उससे स्वेटर बनाए जाते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड, वूल के लिए शीप्स को पाला जाता है, मतलब बहुत सारी नंबर में पाला जाता है। कई बार आप देखते होंगे आपके घरों के आसपास भी सर्दियों में या गर्मियाँ आने से पहले बहुत सारी शीप लेकर जो राजस्थानी लोग होते हैं वो निकलते हैं, तो उन वो लोग शीप पालते हैं इसी पर्पज से। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इन टू वूल, जिन शीपों को पाला जाता है उनके बाल काट के उनसे वूल बनाया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, भेड़ों को पालना और उनकी ब्रीडिंग कराना। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और अरुणाचल प्रदेश इन सिक्किम, ये सारी जगह में, या फिर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर आप बहुत सारे शेफर्ड्स को देख सकते हैं, जो भेड़ चराने वाले होते हैं, गडेरिया होते हैं, वो अपने बहुत सारे झुंड के साथ, शीप के झुंड के साथ उनको ग्रेज करा रहे होते हैं, चरा रहे होते हैं। शीप्स आर हर्बीवोर एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स, शीप्स जो होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं और वो प्लांट पार्ट्स खाती हैं, घास या पत्तियाँ आती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, रियर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक एंड मिनरल्स। भेड़ों को घास चराने के अलावा जो रियरर्स होते हैं, भेड़ पालने वाले होते हैं, वो उन्हें दाल, कॉर्न, ज्वार, जो छिलका होता है ऑयल निकालने के बाद जो बीज का छिलका बचा होता है, और मिनरल्स मिलाकर एक मील तैयार करते हैं जिसे कि वो अपनी भेड़ों को खिलाते हैं। इन विंटर शीप्स आर कैप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, जब बहुत सर्दियां होती हैं तब शीप्स को अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और जो ये ड्राई फॉडर तैयार किया होता है इस ये खिलाया जाता है। जब थोड़ी गर्मियां आने लगती हैं तो उन्हें बाहर निकाला जाता है और घास चलने के लिए बारिश में और गर्मियों में छोड़ दिया जाता है। शीप्स आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल, हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में शीप पाली जाती है वूल के लिए। यहाँ पर आपको ब्रीड्स के नाम मैंने बता दिए थे। द क्वालिटी और जो अलग अलग ब्रीड्स होती हैं उनसे मिलने वाले वूल की जो क्वालिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। सर्टन ब्रीड्स ऑफ शीप हैव थिक कोट ऑफ एयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वान्टिटीज, कुछ ब्रीड्स ऐसे होते हैं शीप के जिनके बॉडी पर बहुत घने, बहुत मोटे बाल होते हैं, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी का वूल और बहुत ज़्यादा नंबर में मिलता है। As mentioned earlier, जैसा पहले बताया था, ये शीप सेलेक्टिवली ब्रेड होते हैं, सेलेक्टिवली इनको पैदा कराया जाता है जिससे कि अच्छी क्वालिटी के, जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो सॉफ्ट हेयर वाले जो ब्रीड्स होते हैं उनको सिलेक्टिव करके और ब्रीडिंग कराई जाती है और अच्छी क्वालिटी के भेड़ पैदा किए जाते हैं जिससे कि अच्छा ऊन मिल सके। वंस द रियर शीप हैव डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल, जब एक बार पाली हुई भेड़ बड़ी होने लगती है और उसके बॉडी पर
बहुत घने मोटे बाल आने लगते हैं, तब उन बालों को शेव कर लिया, जैसे हमारी कटिंग होती है या उस तरह से बाल काटे जाते हैं, छोटे किए जाते हैं, वैसे ही सेम इसी तरह से उनके बालों को शेव करके निकाल दिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 27 पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसमें शीप को, बाल को जो उतारा जा रहा है उसको लेटा दिया और उसको शेव किया जा रहा है, ठीक है। इसमें उसको कोई नुकसान नहीं होता, उसको मार नहीं रहे हैं, केवल उसके बालों को काट रहे हैं, सेम उसी तरह से जैसे जब आप बार्बर शॉप पे जाते हो और वो आपके बाल काटता है। नाउ प्रोसेसिंग फाइबर इंटू वूल। अब वूल तो फाइबर है, जो शीप के जो हेयर हैं वो एक फाइबर है, उसको ट्विस्ट करके धागा बना के उसे वूल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। द वूल विच इज़ यूज फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल इज़ द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। जो ऊन के गोले हमको बाजार में मिलते हैं जिनसे हम स्वेटर बुनते हैं या शॉल्स बुनते हैं, वो एक बहुत लंबी प्रोसेस के बाद मिलने वाला साफ सुथरा अच्छा सा प्रोडक्ट है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है शियरिंग। शियरिंग मीन्स भेड़ की बॉडी से बाल को साफ करना। द फ्लीस ऑफ द शीप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। भेड़ के जो बाल होते हैं वो उसकी बॉडी से, एक स्किन की थिन लेयर के साथ बॉडी से निकाल दिए जाते हैं, इसे बोलते हैं शियरिंग। मतलब शेविंग करके बालों को निकालना भेड़ की बॉडी से, दैट इज कॉल्ड शियरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर्स आर यूज टू शेव ऑफ हेयर। जैसे नाई जो जीरो मशीन या ट्रिमर्स यूज़ करते हैं आजकल बालों को काटने के लिए, सेम उसी तरह की मशीनें शीप के हेयर को काटने के लिए यूज़ की जाती हैं। जनरली जो हेयर हैं वो हॉट वेदर में, गर्मियों के समय में उतारे जाते हैं, जिससे कि भेड़ों को सर्दी ना लगे। सर्दी आते आते फिर से उनके बाल उग जाते हैं, जिससे कि वो उनको ठंडे से बचाते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर। इसी बालों से वूल बनता है। वूलन फाइबर को फिर अलग अलग धागे बनाए जाते हैं उससे, और शियरिंग से शीप को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, जैसे कि आपके बाल कटने से या जब पापा दाढ़ी बनाते हैं, बियर्ड शेव करते हैं, तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी तरह से शीप को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, क्योंकि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। क्योंकि जो हमारे जो स्किन बाल या नाखून जो होते हैं वो डेड स्किन से बने होते हैं, जिससे उन्हें काटने में हमें कोई दर्द नहीं होता है। और जैसे हमारे बाल दोबारा से बढ़ जाते हैं, वैसे ही शीप के बाल भी थोड़े समय बाद बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, उसमें इस स्किन को, शेयर्ड बालों को लेकर बहुत बड़े बड़े टैंक्स में, क्योंकि इसमें बहुत गंदगी होती है, धूल होता है, तेल वगैरह मिट्टी लग जाती है, शीप रोज नहाती तो है नहीं, तो इसीलिए इसमें बहुत सारी गंदगी होती है, जिसे बड़े बड़े टैंक में डालकर उसको बहुत अच्छी तरह से धोया जाता है। इसको बोलते हैं स्कॉरिंग। ये देखिए स्कॉरिंग की जा रही है, बड़े से टैंक में डाल के उसको धोया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड स्कॉरिंग। ये हाथ से किया जा रहा है टैंक में, और ये मशीन में स्कॉरिंग की जा रही है, जहां पर कि ऊन को, ऊन के ऊपर ये पानी डाला जा रहा है बालों के ऊपर, जिससे कि वो धुल के साफ हो रहे हैं। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।